हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? तो मेरा पार्टी का वेकेशन ख़त्म हो चुका है, अब हम चल रहे हैं, यहाँ से निकल चुके हैं। हम थे यहाँ, लेकिन हम बाहर से दिखाएंगे, अंदर इसका व्यू नहीं दिखाएंगे, ये कभी बाद में होम टूर करवाएंगे इसका। फिलहाल अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं और हम पहुँच रहे हैं स्टेशन। स्टेशन जाके हमें ट्रेन पकड़नी है, बनारस स्टेशन से हम ट्रेन पकड़ेंगे शायद सुल्तानपुर के लिए। कल तो सुल्तानपुर वाली ट्रेन छूट गई थी, लेकिन आज हम सुल्तानपुर के लिए ट्रेन पकड़ेंगे। उसके बाद हम चलेंगे सुल्तानपुर से, जहाँ हमें जाना है अयोध्या। ये सुबह का व्यू देखिएगा इस, कितना मतलब अच्छा व्यू है। ये रहे अरविंद जी, आप लोग को दिख रहा होगा, पता नहीं वो अपने मौसी के लड़के से बात कर रहे हैं, वो भी है। देखिए यहाँ का व्यू मैं दिखा रही हूँ, अच्छी जगह है जहाँ हम लोग रहते हैं। कभी मैं आपको होम टूर करवाऊँगी अपने भी घर का और बाहर की व्यू का। ये हम लोग के यहाँ का बाहर का व्यू है। हम लोग एयरफोर्स एरिया को पार कर रहे हैं, अब हम लोग जा रहे हैं यहाँ से स्टेशन। देखिए यहाँ का एयरफोर्स एरिया है, दिख रहा है आपको, वो जो बनारस का एयरफोर्स एरिया है। अब हम लोग यहाँ से जा रहे हैं स्टेशन। वहाँ का भी पीछे बस दिख रहा होगा ना। गुड मॉर्निंग तो बोल दो, बोल दो ना। मत बोलो। फिर मैं बस ऑलमोस्ट स्टेशन पहुँच ही गई हूँ, यहाँ से कितना दूर हूँ मैं दिखाती हूँ आप लोग। तो स्टेशन के पास ना यहाँ पे वॉशरूम भी है बाहर, स्टेशन के बाहर आप लोगों को मैं दिखा रही हूँ। एक्चुअली मैं गई यहीं से थी, लेकिन मुझे उतना टाइम नहीं मिला शूट करने का, तो मैं कर नहीं पाई। यहाँ बजरंग बली का मंदिर भी है। जी अरविंद जी मेरे साथ। ये रहा आप लोगों का स्टेशन, मतलब आप सबका है, सिर्फ मेरा तो नहीं है। स्टेशन का व्यू भी अच्छा लग रहा है, पता है, बाहर से भी। मैं आप लोग को दिखाऊंगी जब मैं वहाँ सामने पहुँचूँगी, तो मैं आप लोग को दिखाती हूँ। देखिए नींद पूरी हुई नहीं है, 12 बजे 12:30 हम लोग को हो गया था सोते हुए ही, तो नींद पूरी हुई नहीं है। ये देखिए स्टेशन के सामने, स्टेशन के बाहर का पेंटिंग आप लोग को दिख रहा होगा। ये पेंटिंग ना यहाँ पे जितने भी मतलब हिस्टोरिकल चीज़ें हैं या तीर्थ स्थल है, उन सब की ना यहाँ पे पेंटिंग हुई है। विश्वनाथ मंदिर, काशी विश्वनाथ मंदिर का है, और जो जो चीज़ें हैं उन सब चीज़ों का है पेंटिंग हुई है। आप लोगों को पीछे से दिख रहा होगा व्यू में, ये गंगा घाट की व्यू है, दिख रहा है आप लोगों को। हाँ, ये जहाँ पे गंगा आरती होता है, जो लोग बनारस आए होंगे उनको पता होगा, वो लोग देखे भी होंगे। जो नहीं आए होंगे, अगर न्यू व्यूवर्स देख रहे हैं, तो प्लीज़ बनारस ज़रूर आइए घूमने, बहुत अच्छी जगह है। एक खासियत है बनारस स्टेशन का, तो मैं आप लोग को यहाँ से दिखाती हूँ। एक्चुअली में यहाँ पे जो स्टेशन का मॉडल बना हुआ है ना, वो जैसे काशी विश्वनाथ मंदिर का मॉडल है, वैसे ही मॉडल है यहाँ का, दिख रहा है। तो एक्चुअली हम पहली बार आए थे तो हमें लग रहा था ये मंदिर है, पर बाद में फिर मुझे पता चला जब मैंने लोगों से पूछा। स्टेशन पर भीड़ है, मुझे लगा नहीं था कि स्टेशन पे इतना भीड़ होगा। जैसे यहाँ का मैं व्यू देख रहे हैं, देखो कैसे सुबह सुबह ये यहाँ पहले ही आकर सीट पे बैठ गए थे ये दोनों, और मुझे छोड़ दिए ये लोग, मुझे बैठाए भी नहीं। ये रहा ट्रेन का व्यू, अच्छा है, साफ़ है ट्रेन, कोई दिक्कत नहीं है जनरल में भी। और कल जो शादी का मैं ब्लॉग नहीं शूट कर पाई, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्राउडेड था और बहुत ज़्यादा लेट भी हो गया था, बट उसका रील्स अच्छे अच्छे आएंगे, और जो भी मैंने गेटअप लिया था वो हमारे इंस्टाग्राम पर आएगा। तो प्लीज़ इंस्टाग्राम पर जाके फॉलो करो काजू क्वीन ऑफिशियल। हे गाइस, हम लोग का बहुत बुरा हाल है, 2 घंटे से यहाँ पे ट्रेन रुकी हुई है, तब से बोर हो गए हम लोग, मतलब कब छोड़ेगी समझ में नहीं आता है। दरअसल हुआ क्या है कि हमारी जो ट्रेन जा रही थी सुल्तानपुर के लिए, उस रूट पे क्या हुआ है, मतलब हरपालगंज के आगे, हरपालगंज स्टेशन है उससे आगे क्या है, एक मालगाड़ी जो है शायद पटरी से उतर गई है, इसलिए पिछले लगभग 2 घंटे से जो हमारी ट्रेन यहाँ हरपालगंज में ही खड़ी हुई है, तब से इनका बुरा हाल है। एक तो रात में नींद नहीं पूरी हुई है, सोए थे हम लोग एटलीस्ट 12:30 बजे, पार्टी से आते हम लोग को लेट हो गया था, अब तक हम लोग शायद सुल्तानपुर पहुंच गए होते, अभी रास्ते में ही है, पता नहीं कब तक पहुंचेंगे। तो ट्रेन जो कल है, भी
दो तीन ट्रेन थी, दोनों ट्रेन चार चार पांच पांच घंटे डिले। फिर दूसरे भी जो हम लोग आए शायद वो वाला भी छूट गया था हम लोगों का। फिर दूसरी पकड़ के आए तो भी पहुंचने में हम लोग को शाम हो गई, 6 बज गया। उसके बाद मतलब इतना ज़्यादा हरेसमेंट हो गया, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। सब लोग ऐसे ही परेशान हैं उतर उतर के, आप देख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, देखते हैं कब तक ट्रेन छूटता है, कितने देर और, 2 घंटे तो बीत गए और कितने देर वेट करना पड़ेगा। फाइनली हम आ चुके हैं सुल्तानपुर 1-2 घंटे के बाद, उस वक्त 2-2.5 घंटे 3 घंटे के बाद हम पहुंच चुके हैं अब सुल्तानपुर। अब यहाँ से बहुत जोर का भूख लगी है, अब हम लोगों को कुछ खाना है। खाने के बाद हम लोग स्टेशन से पहले बाहर निकलते, देखते हैं क्या मिलता है सुबह सुबह, खा के फिर पहुंचते हैं घर। सुल्तानपुर स्टेशन है, हाँ ये बाहर का व्यू है। हम लोग सुल्तानपुर स्टेशन से बाहर निकल गए हैं, अब हम लोग यहाँ से ऑटो रिक्शा देखते हैं क्या मिलता है वो लेकर। ये रहे अरविंद, कोई कहाँ जा रहे हैं? नाश्ता कर लें उसके बाद चला जाएगा जहाँ चलना है। हाँ अभी यहाँ से हम लोग 40 किलोमीटर दूर जाना है। अच्छा, हम लोग बस पे बैठे, देखिए हम लोग क्या खा रहे हैं, बादाम। हम लोग बादाम खा रहे टाइम पास। क्या खा रहे अतुल? बादाम खा रहे। और देखिए उनको मेढक को भी, यहाँ यहाँ पे देखिए यूपी का हाल, सीट सब फटी हुई है। के हैं कहाँ उतरे हैं, कूड़े भार में। यहाँ से हम लोग को कुछ भी ऑटो वगैरह पकड़ के जाना है अपने घर। नहीं, बस है, बस से जाएंगे लोग, कहाँ बस से जाएंगे लोग। अभी हम लोग उतरे हैं यहाँ कूड़े भार में, बड़ा लंबा लगा ये बस वाले अंकल है। कूड़े भार जहाँ हम लोग उतरे हैं, ये वहाँ, ये वहाँ का मार्केट है। हाँ तो देखिए ये हम लोग कूड़े भार मार्केट में उतरे हैं, यह मार्केट है। और हम लोग यहाँ से फिर बस पकड़ेंगे, और अब यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है घर, 10-12 किलोमीटर है फिर यहाँ से। फिर कोई नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे, तो तब तक के लिए बाय। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा।